सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद। इट्स वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने टीवी चैनलों को लेकर डीडी फ्रीडीज को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, उसके बारे में ही आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों बता दूं, आज के जो वीडियो का टॉपिक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि जो डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे कुछ दिन पहले जी के चैनल्स और रिपब्लिक नेटवर्क के चैनल्स जो था बिल्कुल विदाउट ई ऑक्शन डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे चल रहा था और काफ़ी लोग उस चैनल को देख रहे थे, उससे लगभग भारत सरकार को 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उसी को लेकर दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कुछ कहे हैं, कुछ नए गाइडलाइंस लेकर आने वाले हैं, उसके बारे में ही आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों बता दूं कि कुछ जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनको लेकर डीडी फ्रीडीज के तरफ से को अब एक कंप्लेन दिया गया था कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं जिनने ई ऑक्शन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करा था, फिर भी उनके चैनल डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पे लोगों को देखने को मिल रही है, जिससे लगभग सरकार को 52 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। अब इसी चीज़ को लेकर जो डाउनलिंकिंग जो पैरामीटर्स है, यानी कि जो एक चैनल जब सेटेलाइट चैनल होता है पहले अपलिंक कराया जाता है फिर डाउनलिंक करा के आपके सेटअप बॉक्स पे दिखाया जाता है, तो यहाँ पे सूचना प्रसारण मंत्रालय जी ने कह दिया है कि बहुत ही जल्द हो सकता है एक नया कानून लेकर आया जाएगा जिसमें जितने भी प्राइवेट चैनल हैं उनको डाउनलिंकिंग को लेकर भी एक नया प्रोविज़न बनाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, मुद्दा है डीडी फ्रीडीज का, तो डीडी फ्रीडीज के जो फ्रीक्वेंसी और जो उसका सैटेलाइट रहने वाला है वो 93 डिग्री रहता है और 93 डिग्री से ही सटे है 95 डिग्री, और उससे पहले आपका जो कुछ और है 90 डिग्री 91 डिग्री के चैनल्स हो जाते हैं या 100 डिग्री के चैनल्स हो जाते हैं, ये आपस में मतलब मिलजुल जाते हैं, मतलब एक जगह ही है तो थोड़ा भी डीसी लाओ तो आपको वो चैनल ग्रैब हो जाता है। तो जिस वजह से यहाँ पे उसका सूचना प्रसारण मंत्रालय जी का कहना है कि जो चैनल का डाउनलिंकिंग का जो है पीड्स, उसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश क्रिएट किए जाएंगे जिससे प्राइवेट चैनलों को एक नया रूल बना के दिया जा सकता है। जैसे कि अब रिपब्लिक टीवी जो चैनल फ्रीक्वेंसी था उनका डीडी फ्रीडीज से कोरिलेट करता था, तो रिपब्लिक टीवी चैनल जैसे ही ब्लाइंड स्कैन करते थे वो चैनल आ जाता था। सेम डिश टीवी का 95 डिग्री 93 डिग्री पे है तो वो 95 डिग्री वाले चैनल्स भी कुछ स्कैन हो जाते थे जिससे डीडी फ्रीडीज के लोगों को फ्री में कुछ चैनल और देखने को मिल जाता था, जिससे चैनल वालों को तो टीआरपी मिल जाता था क्योंकि उनके जो चैनल्स हैं डीडी फ्रीडीज के ग्राहकों को भी देखने को मिल रहा है, साथ ही प्राइवेट डीटीएच पे भी चल रहा था जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था, और रिपब्लिक टीवी को तो हाल ही में स्कैम में पकड़ा भी गया था। इन सभी चीज़ों को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अपडेट आई है कि अब नया गाइडलाइन आएगा जिसमें जैसे मान लीजिए कोई भी नया चैनल है सैटेलाइट चैनल लॉन्च हो रहा है तो उसको जो सरकार की जो फ्रीक्वेंसीज है जो सरकार के जिस सैटेलाइट पे चैनल्स डाले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया है फ्री डिश के लिए जो फ्रीक्वेंसी सिम्बोलेट बनाए गए हैं उससे कोरिलेट या को डायरेक्शन में किसी भी चैनल्स को नहीं दिया जाए सैटेलाइट पैरामीटर्स, ताकि उसको डायरेक्शन के वजह से डीडी फ्रीडीज के सेटअप बॉक्स पे वो चैनल स्कैन हो सके, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा एक ड्रॉबैक ये है दोस्तों डीडी फ्रीडीज में कि डीडी फ्रीडीज में वही चैनल आपको देखने को मिलता है जो विदाउट स्क्रैम्बल हो, यानी कि एफटी हो, अगर कोई चैनल स्क्रैम्बल है स्कैन भी हो जाएगा तो फिर भी लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग से लेके भी कोई एक नया अपडेट आ सकता है कि चैनल को प्राइवेट डीटीएच वालों को में भी स्क्रैम्बल करने का प्रोविजन बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप घर पे ही अब 10 डिश लगा लीजिए और खुद का आईआरडी लगा के आप देखने लीजिए, एक तरीके से इलीगल ही है वो चीज़ें। तो यहाँ पे जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है कि प्राइवेट चैनलों के लिए नए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। जावड़ेकर जी ने कहा है कि प्रसारण मंत्री ने इस बारे में जानकारी मिली है कि प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के कुछ चैनलों को डीडी फ्रीडीज सब्सक्राइबर के सेटअप बॉक्स पर डाउनलिंक नहीं हो रहा है, यह स्थिति सिग्नल के को लोकेशन और फ्री टू ईयर टीवी चैनलों के संकेतों के इनक्रिप्शन के लिए अनिवार्य आवश्यकता के नॉन मैंडेटरी होने की वजह से हुई है।
या इन सभी वजहों से एक नया कानून आ सकता है। साथ ही दोस्तों अगर OTT के बारे में बात करूँ तो OTT पे भी अब जो मनमाने ढंग के जो कंटेंट दिखाए जा रहे थे उस पर भी अब लगाम लगाने के लिए तैयारी कर ली गई है। और TRP को भी जो बार्क है उन्हें भी कहा गया है कि जो आप TRP जो जनरेट कर रहे हैं उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों पे फिलहाल सरकार की बात चल रही है। अब जैसे OTT कंटेंट पर सेल्फ रेगुलेशन के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सरकार चाहती है कि जितने भी OTT प्लेयर्स वाले सेल्फ रेगुलेशन बनाएं और सरकार को बताएं कि हाँ जी हम ऐसा ऐसा चीज़ें करने वाले हैं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो मजबूरन सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। अगर वो खुद जैसे न्यूज है तो न्यूज के लिए NBA सेल्फ रेगुलेशन बना हुआ है, NBA वाले ने अपना जो भी गाइडलाइन बनाए हुए हैं वो सरकार को देते हैं कि ये चीज़ें हम लोग ऐसा ऐसा है। तो सरकार अगर जिस चीज़ पर एग्री है उस पर यस करती है, जो चीज़ पर एग्री नहीं है वो चीज़ में या तो संशोधन होता है या तो रद्द होता है। उसी तरीके से OTT के लिए भी सेल्फ रेगुलेशन बनाने के लिए कहा गया है, कुछ दिनों का वक्त भी दिया गया है 6 महीने का कि उसके अंदर आपको सेल्फ रेगुलेशन बना के देना होगा ताकि लोगों को जैसे आज की डेट में कि कोई भी कंटेंट OTT पर डाल दीजिए, लोग देख रहे हैं, लोगों को इंजॉय भी आ रहा है, कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं, जिस वजह से सेल्फ रेगुलेशन का कानून आ सकता है और चैनल अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग को लेकर भी नया कानून आ सकता है। और बार को भी कहा गया है कि आप जो धोखाधड़ी हुआ है या जो स्कैम हुआ है ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसके लिए भी सेल्फ रेगुलेशन में कुछ कानून में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ये छोटी सी अपडेट है दोस्तों, होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।